हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे चट्टा आलू गोश्त। तो यहाँ मैं स्टार्ट करती हूँ। इसलिए मैंने ऑयल डाल दिया है और उसे अच्छे से पका लें। उसके बाद मैंने डाली है एक बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज और उसे भून लें। मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे दोनों को अच्छे से भून लेना है। और यहाँ मैंने डाले हैं पिसे हुए मसाले, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी, और यहाँ मैंने डाला है धनिया और सॉल्ट। और इस मसाले को हम बहुत ही अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मसाला भी भून ही चुका है और यहाँ मैंने डाल दिया है बीफ। आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं। यहाँ मैं बीफ का आलू गोश्त बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने कर दिया है मिक्स। और यहाँ मैंने ज़ीरा और लौंग डाली है और यहाँ मैंने पिसा हुआ गर्म मसाला डाल दिया है और इसे अच्छे से कर लिया है मिक्स। और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पर आकर हमें इसे कुक करना है बीफ को। यहाँ कुक भी हो चुका है अच्छे से और डाल दिया है मैंने आलू कटे हुए। और यहाँ आपको जितना पतला रखना है तितना थिक रखना है आपको कर लें। आप उसे पानी डाल दें। और यहाँ मैंने देखिए आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ मैंने आपको कट करके भी दिखाया है। सो गाइज, यहाँ हमारा चटपटा आलू गोश्त एकदम रेडी हो चुका है। तो प्लीज़ गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।